दोस्तों द न्यूज़पीक के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। क्रिकेटर सुरेश रैना के मैं भी ब्राह्मण हूं के बाद पेश है एक और ब्राह्मण क्रिकेटर की मेरिट पर हुआ बवाल। क्रिकेटर रोहित शर्मा को आजकल इंटरनेट पर खूब ट्रोल किया जा रहा है और उसकी वजह है उनके द्वारा किया गया एक ट्वीट। रोहित शर्मा ने टोक्यो ओलंपिक में गई भारतीय टीम को शुभकामनाएं देने के लिए एक ट्वीट लिखा है, लेकिन इस ट्वीट में स्पेलिंग की इतनी गलतियां कर दी हैं कि ऐसा लगता है जैसे आरक्षण के कारण ये भी हिंदी नहीं सीख पाए। रोहित ने लिखा, टोक्यो ओलंपिक्स में मचाना है धमाल, हमारे एथलीट को शुभकामनाएं। रोहित ने पहले ही लाइन में टोक्यो की स्पेलिंग गलत लिख दी, उन्होंने टोक्यो की जगह टोक्यो लिख दिया, फिर दूसरे शब्द में भी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, दूसरा शब्द लिखा ओलंपिक्स जबकि होता है ओलंपिक्स। अगर आप ये समझें कि शायद वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़े होंगे और उन्हें हिंदी लिखने नहीं आता है, तो तीसरे शब्द में जब आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है एथलीट जबकि उसकी स्पेलिंग होती है एथलीट यानी ATHLETE, लेकिन उन्होंने लिखा है ATHELETE, तो एथलीट की स्पेलिंग भी उन्होंने गलत लिख दी है। वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है लेकिन एथलीट की स्पेलिंग भी वो नहीं लिख पाए। उसके बाद चौथी उनकी गलती है शुभकामनाओं की स्पेलिंग में मिस्टेक करना, क्योंकि उन्होंने शुभकामनाओं की स्पेलिंग भी सही से नहीं लिखी, ब लिखा है जबकि भ होना चाहिए था और नाएं के बाद अंक की बिंदी होनी चाहिए थी, तो शुभकामनाएं होता है लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं लिख दिया। तो इस तरह से देखें कि उन्होंने एक ट्वीट में चार चार गलती की हैं। महज 10-12 वर्ड का यह ट्वीट है लेकिन उसमें चार चार गलतियां हैं, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की गलती भी उन्होंने की है। तो इसको लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और लोग उनके ट्वीट्स के बारे में लिख रहे हैं कि आपको जो है हिंदी नहीं आती है। दिनेश कुमार ने लिखा है कि हिंदी भी लिखना नहीं आता, भाई गूगल ट्रांसलेटर का ही यूज कर लेते। तो इन्होंने इस पर तंज कसा है रोहित शर्मा पर। और उसके बाद नीतू यादव लिखती हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स नहीं टोक्यो ओलंपिक्स होता है और एथलीट नहीं एथलेटिक या एथलेटिक्स जो उन्होंने बोला है, और शुभकामनाएं नहीं शुभकामनाएं, और लिखा है यूरेशियाई मेरिटधारी। तो उन्होंने नीतू यादव ने यहां पर तंज कसा है कि क्योंकि बार बार जो सवर्ण जमात के लोग होते हैं वो ये कहते रहते हैं कि आरक्षण से नुकसान हो गया, एफर्मेटिव एक्शन से कितना नुकसान हो गया देश का, लोगों को सीट नहीं मिलती, लोगों को ये नहीं मिलता, अब लोगों को जो मिल रहा है उससे वो देखे क्या कर रहे हैं, क्या आरक्षण की वजह से ये हिंदी नहीं सीख पाए, क्या उसकी वजह से उनकी मेरिट जो है वो कमजोर हो गई, वो अंग्रेजी हिंदी लिखना भी नहीं सीख पाए। इसी तरह से लोग जो है उनको यहाँ पर ट्रोल कर रहे हैं और बार बार वो कह रहे हैं कि भैया आप जो है ना लिखना सीख लीजिए। जुगनू जो है उन्होंने लिखा है कि ट्रांसलेशन अवेलेबल है, आप वो कर लीजिए। वहीं मनोज अग्रवाल ने लिखा है कि रोहित भाई दारू पीकर ट्वीट कर रहे हो या बेमन से ट्वीट करके ओलंपिक की शुभकामनाएं दे रहे हो, हद है। इन्होंने एंग्री फेस का अपना इमोजी भी लगाया है तो लोग इन्हें यहां पर ये बात लिख रहे हैं। वहीं नीतू यादव फिर से आ गई है, उन्होंने लिखा है वाह शर्मा वाओ व्हाट अ मेरिट टोक्यो ओलंपिक्स एथलीट शुभकामनाएं। तो उन्होंने यहाँ उनकी खिंचाई की है और फिर से उनकी ये स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर जो है तंज कसा है। तो इस तरह से रोहित शर्मा जो है वो ट्रोल हो रहे हैं और लोग उनके बारे में लिख रहे हैं कि आप जो हिंदी भी नहीं लिख पा रहे हैं, आप अंग्रेजी का एक शब्द नहीं लिख पा रहे हैं। लेकिन जब भी इस तरह का जाति से जुड़ा हुआ मसला आता है तो क्रिकेटर चाहे वो जडेजा हो या फिर सुरेश रैना हो रोहित शर्मा हो, ये लोग बोलते हैं कि हम प्राउडली जो है वो ब्राह्मण हैं राजपूत हैं, ये अपनी जातीय पहचान को लेकर इतने उसको शोकेस करते हैं, उसको बारे में दिखाते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। लेकिन जब उनकी मेरिट की बात आती है तो मेरिट में अगर आप हम लोग जो हैं देखें इनकी ट्वीट में चार गलतियां हैं, एक 10-12 शब्द के ट्वीट में, वो ट्वीट भी ये ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन ये हो सकता है कि गलती हो, लेकिन इतनी सारी गलतियां कैसे हो जाएंगी यार, ये बात सोचने की है कि एक दो गलती होती है लेकिन चार चार गलतियां 10-12 शब्दों के एक ट्वीट में, वो अपने आप में जो है इनकी कहीं ना कहीं हिंदी की और अंग्रेजी की जानकारी जो इनका ज्ञान है उस पर सवालिया निशान लगाता है। तो ये रोहित शर्मा का ट्वीट है, मेरिट है और साथ साथ में उनका ज्ञान है ओलंपिक को लेकर और शब्दों को लेकर। आपका बारे में क्या कहना है कमेंट के जरिए जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट द न्यूज़ वीक।